गुलामी और पछुआणो। इसराइल के राज्य और यहूदा के राज्य दुए परमेश्वर के खिलाफ पाप कोरा तीनवे तैसे कोरारों के तोड़े दिया जो परमेश्वर तीनू आरी सीनेदार पांदी कोरे राय थिया। परमेश्वर तीनू के पाप करने छोड़े देनो करिए और अट्टियों तैस की आराधना करनो करिए, चेतावनी देनो के अपने परमेश्वर के बातों बताने वाले छाड़े परोसे तीन की बातों मानो के बाजी गुए और परमेश्वर तीन के दुश्मनों के तीनू के नाश करनों के काबिल बाणनों के द्वारा दू राज्य के सजा दे। अशूर एक ओका देश थिया जो बेजाय शक्तिशाली होय गुआ थिया, सियो की देशों के प्रति बेजाय खराब थिए। तीनू आयबा इसराइल के राज्य का नाश कर दिया। अशूरी लोग गए आयबा इसराइल के राज्य दे बहुत लोगों के मारे दिए, जू चोऊ से जो लुटी पोऊ और देश के कई हिस्से जलाए दिए। अशूरी लोग गए सुबी अगुओ सेठ लोगों और ऐसने लोगों के जो मूंगी चीजों बाणी सो को थी है एक साथ कोठे कोरे और से तीनू के अशूर देश दे लोय गुए। इसराइल दे सिर्फ धनी गरीब इसराइली बोचे गुए। तबे अशूरी लोग गए तैसी देशों दे रोनो करिए विदेशी लोगों के लिए हुए। तीनू विदेशी लोग गए तीनू नोंगरों के अट्टियों बाणे जो इसराइली तिथे बोचिरुए थी है तीनू आरी तीनू जजड़ा बाणा और तीनू लोगों के वंशज के सामरी बोलो। यहूदा के राज्य के लोगे देखो कि कैसे के परमेश्वर पांदी विश्वास न करनो और तेस की बातों न मानने की वजह से परमेश्वर इसराइल के राज्य के लोगों के सजा दे रहे थे, पर तब वे तीनों कनानी लोगों के देवताओं के पूजा करे। परमेश्वर तीनों के चेतावनी देनो करिए परमेश्वर की बातों बताने वाले छाड़े पर उसे सुनो से बाजी गुए। लमसम 100 सालों के बाद अशूरी लोगे इसराइल के राज्य के नाश कर दिया। परमेश्वर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के यहूदा के राज्य पांति हमला करनो करिए छाड़ा। बेबीलोन एक शक्तिशाली देश थिया। यहूदा का राजा नबूकदनेस्सर का दास बुनो और यही साल तैसे के बोरी से पैसे देनो करिए माने गुआ। पर किचे सालों के बाद यहूदा के राजाए बेबीलोन के खिलाफ बुरु कोरो और बेबीलोन के लोग गए पाछू आए बा यहूदा के राज्य पांदी हमला कर दिया। तीनों यरूशलेम नगर पांदी कब्जा कर दिया और मंदिर के खत्म कर दिया और नगर और मंदिर के खजाने के लुटे बा लोई गुए। बुरु करनो की वजह से यहूदा के राजा के सोजा देनो करिए नबूकदनेस्सर के सैनिक के राजा के बेटे के तैसे के सामने मारे दिया और अट्टियो राजा के अंधा कर दिया। इसके बाद से राजा के लोई गुए ताकि से बेबीलोन के कोई खाने दा मरे जाओ। नबूकदनेस्सर और तेस की सेना यहूदा के राज्य के लमसम सभी लोगों के बेबीलोन लोय गुए। सिर्फ सुबिद गरीब लोगों के पछड़ियों छोड़े बता कि सिखे तो पुंडे शाक बहु। ऐसे समय के कालो खे गुलामी बोले जैसे वक्त परमेश्वर के लोगों के वादे के देश पोरे से अगु जानो कर जबरदस्ती कर रहे थे। भले ही परमेश्वर अपने लोगों के तिनके पापों करिए गुलामी दे जानो करिए सोजा दे तो वे वैसे तिनु के या अपने वादे के ना बिसरी रही थी। परमेश्वर अपने लोगों के निगरानी रखने जारी रखे और अपने परमेश्वर की बातों बताने वाले ले तीनू हरी बातों करदा रुआ। तेने वादा कोरा कि 70 सालों के बाद सी अट्टियो वादे के देश दे पाछू जांदे। लमसम 70 सालों के बाद फारस के राजा कुसरुए बेबीलोन के हराय दियो। इत करिए बेबीलोन के साम्राज्य के बजाय फारस के साम्राज्य कई देशों पंदी राज कोरा। इसराइली लोग एबे यूदी लोग के लाउ थिए तीन मुंजी दे बुते अपना जीवन बेबीलोन दा बिताए दिया थिया। सिर्फ थोड़े ही बूढ़े यहूदी लोगों के ही यहूदा का देश याद थिया। फारसी लोग बेजाय ताकतवर थिए पर तीनू अपने जितियोंदी लोगों पांदी दया कर रहे थे। फारसी लोगों का राजा बुन्नो के थोड़े दूसरों के बाद कुसरु एक आदेश दिया कि कुंजी बे यहूदी जो यहूदा देश के पाछू जानो चाहो थिए से फारस से निकले बा पाछू यहूदा के जाय सको। इतने तोड़ी कि तेने तिनके मंदिर के अट्टियों बाणनो करिए पैसे बे दिए और गुलामी के 70 सालों के बाद यहूदी लोगों का एक ननड़ा गुट यहूदा दा यरूशलेम नगर के पाछू आए गुआ। जब ऐसे जे लोग यरूशलेम पहुंचे तो तीनवे मंदिर के और नगर के चौटो बो के दीवार अट्टियों बाणे। फारसी लोग एबे बे तीनू पांदी राज करो थिए पर एक बई अट्टियों से वादे के देश दे रोए रुए थिए और मंदिर दे आराधना कर लोए थे। दूसरा राजा अध्याय 17 और 24 और 25, दूसरा इतिहास अध्याय 36, एजरा अध्याय 110, नेहमिया अध्याय 113 परे से बाइबल की एक कहानी।